सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज बात करेंगे उन लोगों के लिए जो फोर्स की तैयारी कर रहे हैं और जो ओवर एज हो गए हैं, उनके मन में विचार आता है क्या कर लें क्या नहीं करें, क्योंकि काफी लोग अब इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उम्र तो उनकी चली गई है और उनको चाहिए इंडियन आर्मी की वर्दी, वो और किसी नौकरी में नहीं जाना चाहते। तो मैं उन लोगों को आज बताऊंगा कि आप लोगों को गलत कदम नहीं उठाना है। अगर गलत कदम उठा दिए तो उनके बारे में सोचो जो माँ बाप हैं तुम्हारे, जो तुमको 9 महीने पेट में रखे, सेवा किए तुम्हारी, तुमको बड़ा किए, इसके बाद तुम इस दुनिया में रहना नहीं चाहते हो केवल एक चीज के लिए, वो है फौज, वो है तुम्हारी वर्दी। तो मैं आज उन लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी लेके आया हूं जो लोग इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं और अपने इस तन पे वर्दी ले सकते हैं और उस AK-47 के साथ शादी कर सकते हैं, उनका सपना 101% साकार हो जाएगा। ये वही लोग परेशान हैं जिनकी एज चली गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है अग्निवीर में 18 से 23 साल तक एज लिया जाता है, ठीक है ना। अब तो और भी कम कर दिया गया है, 21 साल कर दिया गया है। तो सारे लोग परेशान हो चुके हैं कि हम इस किस चीज में फॉर्म अप्लाई करें ताकि हम इंडियन आर्मी में जा सकें और किसी वैकेंसी में ना जा सकें। तो लो वो हैं कौन, उनका नाम मैं बता रहा हूं, वो लोग कौन है, पीए आर्मी। कौन सी? पीए आर्मी। दोस्तों जो लोग पीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो करना तैयारी छोड़ दें, क्योंकि काफी टाइमों से 2-3-4 साल से भर्ती नहीं आ रही है टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की और लोग परेशान हैं, काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए, लेकिन हमें जाना है इंडियन आर्मी में और हमारा एज नहीं है। एज हमारा 18 से 42 साल टीए इंडियन आर्मी में मांगा जाता था और लोग चले जाते थे, और हाइट जो है हाइट भी बहुत कम मांगा जाता था, लोग चले गए थे। तो जिनकी हाइट नहीं है, जिनकी एज नहीं है, वो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में ही जाते थे, टीए आर्मी में ही जाते थे। उनका एक मेन रीजन था, मेन डिसीजन था कि वो सिर्फ टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में जा सकते थे, अन्यथा नहीं जा सकते थे फोर्स लाइन में किसी चीज में, क्योंकि उसमें एज ज्यादा मांगा जाता था और हाइट कम मांगी जाती। तो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, करते थे, और जब वैकेंसी आती थी साल भर में 1-2 बार वैकेंसी आती थी और लोग जाते थे, रनिंग हार्ड होता है, रनिंग करते थे, ठीक है ना, रिटर्न होता था, सारी प्रक्रिया उसी प्रकार किया जाता था जैसे इंडियन आर्मी होता है, सारा प्रक्रिया उसी वे, सेम ड्रेस मिलता था, सेम काम करने का शेड्यूल होता था, सेम जगह ड्यूटी लगती थी, बस क्या नाम अलग था, कुछ काम में भी अलग होता था, लेकिन लोग अब क्या कर रहे हैं, सुसाइड करने पे तुले हुए हैं, कहते हैं कि इस दुनिया में हमको अब नहीं रहना है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है लोग इतने दिन से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उसी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, भर्ती नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, लोगों का ताना सुन रहा है, घर परिवार वालों का भी सुनना पड़ रहा है, एक ही चीज 4 साल से ट्राई कर रहे हो तुम्हारा नहीं हो रहा है, बाकी लड़कों का हो जा रहा है अगल बगल, सामने वाले भी ताना मारते हैं, तुम्हारे बाप को मारते हैं, तुम्हारी माँ को मारते हैं, प्लस तुमको भी मारते हैं, चूतिया समझते हैं तुमको, लेकिन वो तुम्हारा दिल जानता है। ये दोस्तों एकदम मोटिवेशनल वीडियो है, आपको मैं मोटिवेट करता हूं जो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी पिछले 4 सालों से कर रहे हैं और भर्ती नहीं आ रही है, ये मोटिवेशनल वीडियो, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना, व्यवस्थित तरीके से देखना, एकदम मोटिवेट लाइन है और मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं। आप लोगों को जरा सा भी घबराना नहीं है, जब आप 5 साल में नहीं घबराए, ठीक है ना, 5 साल में नहीं घबराए आप, तो बस हमको 2 महीने का और टाइम दीजिए, गारंटी के साथ कहता हूं आपके इस जिस्म पे वर्दी होगी, वर्दी दोस्तों जिसके लिए आप बरसों से बेताब हैं, बेतावले हैं, पगला गए हैं कि हमको बस आर्मी की वर्दी चाहिए, तनख्वाह मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, अलाउंसमेंट वगैरह मिले या ना मिले, बस हमें ड्यूटी करनी है, जान है मेरा, लेकिन ओवर एज हो गए हैं, हाइट भी नहीं, कर भी क्या सकते हैं। तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है, पोर्टर इंडियन आर्मी की वैकेंसी दोस्तों,
जिनकी हाइट नहीं है, जिनका एज नहीं है, कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनके लिए क्या है, पोर्टर इंडियन आर्मी की वैकेंसी। दोस्तों इसमें मांगा क्या गया है, क्या क्या मांगा गया है सब चीज में बता दे रहा हूं। इसमें दोस्तों अगर आप क्लास 5 पढ़े हुए हैं या हाई स्कूल किए हुए हैं या 8 पास किए हुए हैं, यदि आपकी हाइट भी कम है और आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, पोर्टर इंडियन आर्मी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अभी फिलहाल 15 या 20 तारीख के अंदर फॉर्म फिल होंगे पोर्टर इंडियन आर्मी के, हिमाचल हिल पोर्टर के नाम से वेबसाइट होगी, वहां पे आप लोगों को क्लिक करना होगा और दोस्तों वहां पे जाके आप लोग फॉर्म को फिल करना होगा। इसके बाद में 15 या 20 दिन में आप लोगों का लेटर आ जाएगा वहां से, जो बुलाया जाता है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं, एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप लोग वहां पे जाएंगे, वहां पे आप लोगों को रनिंग कराया जाएगा 1600 या 800 मीटर जो भी कुछ है कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का। आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है वहां पे, सब चीजें मैं बता रहा हूँ। आप लोगों के पास हाई स्कूल मार्कशीट हो या 5 की मार्कशीट हो या 8 की मार्कशीट हो चलेगा। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट होगा जो प्रधान के द्वारा प्रमाणित कराया जाता है। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, कहीं पे आप लड़ाई मारपीट कत्ल तो नहीं किए हुए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन 6 मंथ का होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट भी 6 मंथ के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस आपका SBI या पंजाब नेशनल बैंक का पासबुक होना चाहिए जिसमें आप पैसे ले सके, और अन्य बैंक का नहीं लगेगा। पूरी चीज में पोर्टर इंडियन आर्मी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को बता दिया। सैलरी दोस्तों 30,000 होती है, उसी में आप लोगों का PFDF जो भी कट जाता है और अलाउंसमेंट बढ़ता रहता है। ये दोस्तों कहाँ पे होता है भर्ती, पहाड़ी क्षेत्र में होता है, जैसे हिमाचल होता है, उत्तराखंड होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, लेह लद्दाख में होता है, इन जगहों पे इनको भर्ती किया जाता है। दोस्तों ये कितने साल के लिए भर्ती होते हैं ये भी मैं बता दूं आप लोगों को। दोस्तों ये सिर्फ 6 मंथ के लिए भर्ती होते हैं, 6 महीने के लिए। दोस्तों लोग बोलते हैं कि इसमें परमानेंट हो जाते हैं कई सारे लोग, क्योंकि हुए भी हैं, मेरे साथ के जो लोग थे, मेरे साथ के जो तैयारी कर रहे थे, वो भी परमानेंट हुए हैं पोर्टल में। तो परमानेंट कैसे होते हैं इसकी बेसिस बताते हैं आप लोगों को। परमानेंट होते हैं दोस्तों जैसे कि जिनको काम आता है, कुकिंग का काम आता है, खाना बनाने का काम आता है, ड्राइविंग करने का काम आता है, ठीक है ना, हर चीजों के बारे में जिनको नॉलेज होता है थोड़ा बहुत, जैसे नाई है, वाशरमैन, कपड़ा धोने वाला है, बाल काटने वाला है, जूता बूट पॉलिश करने वाला है, ठीक है ना, कपड़ा इस्त्री करने वाला है, ए ट्रेडमैन में आते हैं सारे पोस्ट। तो जिनको ये सब चीजें व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छे ढंगों से नॉलेज है, उनको परमानेंट कर दिया जाता था। उसको 1 साल रखा जाता है, इसके बाद इनको घर भेज दिया जाता है। फिर से अप्रैल मई में वैकेंसी आती थी, अगले साल भी ऐसे वैकेंसी आई थी, अप्रैल में आई थी, तो फिर इनको बुला लिया जाता है। फिर इनका कोई काम नहीं रहता है, इनको रनिंग नहीं कराया जाता, ना इनका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है, इनको वापस फिर से फौज में भर्ती कर लिया जाता है और इनका काम स्टार्ट कर दिया जाता है। काम दोस्तों क्या करना रहता है, काम आर्मी वालों की सहायता करना रहता है। जैसे काम कहीं बंकर वगैरह बन रहे हैं उसमें सहायता करवाना है, कहीं आपको खाना पहुंचाना है ऊपर या कोई सामान पहुंचाना है तो वो काम कराया जाता है आप लोगों से। प्लस इसमें खेल भी कराया जाता है, मनोरंजन भी कराया जाता है, साथ साथ सारी चीज़ें होती रहती हैं दोस्तों इसमें। तो इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, आप लोगों को सपना साकार हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को सुसाइड नहीं करना है दोस्तों। सुसाइड वही करते हैं जो दिल से कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना, वही सुसाइड करने। तो आप लोगों को सुसाइड नहीं करना है, क्योंकि हमको किसी को कुछ दिखाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है दोस्तों। तो अगर आपका सपना है आर्मी में जाना, और दोस्तों हाल ही में आप लोगों की वैकेंसी जो आई है अग्निवीर बाय द वे परमानेंट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अपने जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने बताया है ऐसा कि अग्निवीर को परमानेंट कर दिया जाएगा कभी ना कभी, ठीक है ना। तो आने वाले समय में अग्निवीर को परमानेंट किया जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों सेना भी बुराई कर रही है। क्योंकि जब ये नियम लागू किया गया था तो सेना से पूछ के नहीं लागू किया गया था, जो नेता लोग हैं अपने ऑफिस में बैठ के मीटिंग कर लिए थे और इसके बाद नियम लागू कर दिए थे। ये मंजूर सेना को भी नहीं है कि हम 4 साल के लिए जाएं, इसके बाद वापस आ जाएं, इसके बाद क्या करें।
25% जो ये लोग परमानेंट करते हैं, इससे पहले भी 25% परमानेंट था। तो जो अग्निवीर के लोग हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, कैसे तैयारी करनी है, रनिंग कैसे करना है, रिटर्न कैसे करना है, ठीक है ना, तो सारी चीजें आप लोगों को मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हमें कैसी रनिंग करनी चाहिए जो हमारी रनिंग निकल जाए, कैसे हमको रिटर्न की तैयारी करनी चाहिए कि हमारे रिटर्न निकल जाए। तो अगर आपका 10 भी कमेंट आ गया ना इसमें, तो मैं उसका वीडियो लाऊंगा कल आप लोगों के लिए, इसी टाइम वीडियो पोस्ट करूंगा और आप लोग जाके देखना दोस्तों। तो दोस्तों आपकी मेरी वीडियो कैसी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आगे कोई अन्य अपडेट मिले तो आप लोगों को मैं भेज सकूं। और जो लोग टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो सब छोड़ दें, अब वैकेंसी नहीं आने वाली। क्योंकि इससे पहले होता था कि कोरोना काल चल रहा है, कुछ न्यू अपडेट आएगा, ठीक है ना, आप लोग रेस्ट करें, थोड़ा वेट करें, तो कब तक वेट करते रहेंगे एक ही चीज का। जो चीज नहीं आ रही उसको जाने दो, छोड़ दो, किसी और चीज पे ध्यान लगाओ, कुछ कुछ उससे बड़ा करके दिखाओ। हमको कुछ बड़ा करना है इस दुनिया में, अगर हम आए हैं 50 60 70 80 साल के लिए, तो हमें कुछ करके दिखाना है। एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, नाम लो, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सोचो, बाबा हरभजन सिंह के बारे में सोचो, ठीक है ना, इन लोगों के बारे में सोचो, ये लोग कुछ बड़ा करके गए अपने भारत देश के लिए, तो हमें भी कुछ बड़ा करना है। संघर्ष है, जिंदगी एक संघर्ष है, हमको कुछ अलग नहीं करना है दोस्तों, हमको कुछ बड़ा करना है, सबसे आगे बढ़ना है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।